नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बीएसएससी ने बहाली निकाली थी 13,120 पदों की। तकरीबन 7.5 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ये प्रक्रियाधीन है, आखिरी पड़ाव पर है। काउंसलिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की तारीख का ऐलान किया जाए, परिणामों की घोषणा की जाए, उन्हें नियुक्ति दी जाए। वहीं दूसरी तरफ आयोग लगातार लेट लतीफ करता नजर आ रहा है। अगस्त के महीने में ही टाइपिंग और फिजिकल समाप्त हो गए लेकिन अब सितंबर का भी आधा माह बीत चुका है, काउंसलिंग के संबंध में कोई सूचना बिहार एसएससी ने नहीं जारी की है। और अब 23 सितंबर को बिहार एसएससी कार्यालय के सामने महा आंदोलन की तैयारी में है छात्र अभ्यर्थी। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वारा लगातार छात्र युवाओं के साथ अन्याय और शोषण किया जा रहा है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, वो 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और इसके चलते 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं और वो मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद भी बीएसएससी सुस्त रवैया अपना रही है और सोई हुई है। तो अब बीएसएससी को नींद से जगाने के लिए एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है, तभी जाके बीएसएससी जागेगी और काउंसलिंग का डेट घोषित करेगी और जल्द फाइनल रिजल्ट भी प्रकाशित करेगी, अन्यथा ये बहाली 2022 तक चली जाएगी। तो हमने कई परीक्षार्थियों से बातचीत किया है और उसके बाद सर्वसम्मति से 23 सितंबर को 11 बजे से बीएसएससी ऑफिस में एक महाछात्र आंदोलन करने पर निर्णय लिया गया है। तो 23 सितंबर को 11 बजे से छात्र महा आंदोलन होगा बीएसएससी ऑफिस में। तो आप लोग सभी लोग उसमें निश्चित रूप से आइए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये सबों की लड़ाई है, ये वर्तमान की भी लड़ाई है और भविष्य की भी लड़ाई है, ये अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई है। आप सभी को आना पड़ेगा और जो लोग जॉब में हैं उन लोगों से भी विशेष रूप से आग्रह है कि आप लोग एक दिन का छुट्टी ले लीजिए और 23 सितंबर को आप लोग आंदोलन में जरूर आइए, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। तो इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए और जितने भी परीक्षार्थी हैं, आपकी संख्या 50,000 से ज़्यादा है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि 50,000 से ज़्यादा आपकी संख्या है और एक साथ उतर जाइएगा सड़क पे, तो सरकार को, आयोग को, हम लोगों की बात माननी पड़ेगी। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, स्टूडेंट पावर के सामने कोई पावर काम नहीं करेगा, स्टूडेंट पावर नेशन पावर। तो आप अपने अंदर जो आपके अंदर जो शक्ति छिपी हुई है उसको पहचानिए, उसको बाहर निकालिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आंदोलन में सबसे आगे रहूँगा मैं और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। हमसे हमारा मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं छीन सकते, मुख्यमंत्री भी नहीं छीन सकते। तो इसलिए आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है और सभी लोग निश्चित रूप से 23 सितंबर को 11 बजे तक बीएसएससी ऑफिस आ जाइए, क्योंकि अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब कितना धैर्य रखेंगे, धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है, 7 साल बीत चुका है। इस दरमियान हजारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई है, वो कहीं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। और ऐसे परीक्षार्थी जो सोच रहे होंगे कि मेरा बहुत ज़्यादा मार्क्स है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो वो लोग भी ध्यान रखिए। दरोगा बहाली में भी इसी तरह लोग सोच रहे थे कि उनका तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन ये आयोग है, क्या खेल खेलेगी आप नहीं कह सकते हैं। दरोगा बहाली में देखिए कटअप से ज़्यादा मार्क्स रहते हुए भी हजारों परीक्षार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन हो जाए हम मनाते हैं, ऐसा शुभकामना है हमारी आपके साथ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इस गलतफहमी में भी मत रहिए। आयोग है, कुछ भी गड़बड़ी कर सकती है, कुछ भी खेला कर सकती है। और जिन लोगों को लगता है कि मेरा कम मार्क्स है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो लोग भी घबराइए मत, क्योंकि क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग के बाद बाहर हो जाएंगे, हजारों अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग के बाद बाहर होंगे, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन दरोगा में हो गया, कहीं बिहार पुलिस में हो गया, कहीं बाहर हो गया है किसी और डिपार्टमेंट में, तो वो लोग भी काउंसलिंग में आएंगे भी तो छोड़ देंगे, वो लोग काउंसलिंग के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे हजारों अभ्यर्थी है। तो इसलिए जिनका कम मार्क्स भी है तो वो भी ये मत सोचिए, आप सभी लोग आइए, यानी कि जितने भी परीक्षार्थी हैं, जो आप लोग की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, लगभग 52,000 हैं, आप लोग सभी लोग आइए, क्योंकि किनका रिजल्ट होगा किनका नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता है अभी, ये काउंसलिंग लिस्ट जारी होगा उसके बाद ही आप जान सकते हैं कि किनका हुआ किनका नहीं हुआ, आपका हुआ या नहीं हुआ। अभी आप कितना भी आपका ज़्यादा मार्क्स है या कितना भी आपका कम मार्क्स है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आयोग है, कुछ भी खेला कर सकती है। इसलिए एकजुट रहिए और सभी लोग आइए, चाहे आपका मार्क्स ज़्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है, आप सभी लोग आइए। और जितने भी परीक्षार्थी, हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ आइए, अंतिम लड़ाई है और
कुछ परीक्षार्थी हमें फ़ोन करके ये बता रहे थे कि कहीं कहीं ये बात चल रही है मार्केट में कि 8 से 10 लाख रुपया लेके सेटिंग करवाया जा रहा है, जो लोग पीटी फेल कर गए हैं वो उनका भी। तो ये गलतफहमी में मत रहिए, ये सब चक्कर में मत पड़िए आप लोग, और जो भी इस तरह का बात कर रहा है उसका नाम उजागर कीजिए, और ये दलालों के चक्कर में मत पड़िए, शिक्षा माफियाओं के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। और आयोग के सचिव और अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसी चक्कर में जो धांधली हुई थी पीटी में प्रथम बार, उसी में अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय जेल गए थे, तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और आयोग की तरफ से किसी भी तरह की धांधली ना हो, आप ऑफिस के अंदर अपने कर्मचारियों पे, अपने अधिकारियों पे पूरा ध्यान रखिए, नियंत्रण रखिए कि कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग एक भी सीट पे धांधली को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह करें कि आप लोग आंदोलन में 23 सितंबर को 11 बजे जरूर आइए, और हम लोग आपसे आंदोलन में आने के लिए 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं। हम जब भी आंदोलन करते हैं 1 रुपया भी किसी से नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ शारीरिक रूप से आने की अपील कर रहे हैं आप लोगों से। तो आंदोलन में आपको सिर्फ शारीरिक रूप से आना है, आपसे हम लोग 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से 23 सितंबर को आप लोग 11 बजे तक पहुंच जाइए बीएसएससी ऑफिस। आप याद रखिएगा, ये अंतिम लड़ाई है हम लोगों की, बार बार आंदोलन नहीं होता है। तो अगर आप घर बैठे रहिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप खुद जिम्मेवार होइएगा। इसके लिए ना तो आयोग जिम्मेवार होगी, ना सरकार जिम्मेवार होगी, ना कोई और जिम्मेवार होगा, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आप अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर नहीं उतरना चाहते हैं, आंदोलन में नहीं आना चाहते हैं। तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपकी अंतरात्मा कहती है, और हम अपील करते हैं आपसे कि आप आइए 23 सितंबर को 11 बजे बीएसएससी ऑफिस, हम सबसे आगे रहेंगे आंदोलन में, आप आइए। और उसी दिन देखिएगा रिजल्ट प्रकाशित होना तय है, क्योंकि छात्र शक्ति के आगे कोई शक्ति काम नहीं करती। हम लोगों की मांग गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग 23 सितंबर को 11 बजे बीएसएससी ऑफिस जरूर आइए, और इस छात्र महा आंदोलन को सफल बनाइए, ताकि जो 7 साल का वनवास है वो वनवास खत्म हो आप लोगों का। हम चाहते हैं कि आप लोग जो 7 साल से वनवास की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो वनवास आप लोगों का खत्म हो। तो आप लोगों को इसमें आना ही पड़ेगा, आप सोचेगा घर बैठे रहें तब नहीं होगा, तो प्लीज़ 23 सितंबर को 7 साल का वनवास खत्म करने के लिए आप लोग जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, जिनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये बहाली जो 2014 में आई थी, जिसे पूरा करने में बिहार एसएससी के अधिकारियों ने तकरीबन 7.5 साल लगा दिया, और उसके बाद भी अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं, लेट लतीफ कर रहे हैं, इसका कारण भी नहीं बता रहे हैं, और केवल अखबारों के माध्यम से ये कहा जाता है कि अगले सप्ताह इस संबंध में सूचना आएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि आप इस आंदोलन में शामिल हो, आप डरे नहीं आयोग के उस सूचना से जिसने उसने कहा था कि जो भी अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ये अधिकार है बिहार के नहीं बल्कि देश के तमाम नागरिकों का कि वे अपने हक की मांग करने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, और इसी के तहत 23 सितंबर की तारीख को सुबह 11 बजे छात्र नेता दिलीप ने यह आह्वान किया है कि आयोग के सामने एक महा आंदोलन किया जाएगा, ताकि जो काउंसलिंग से संबंधित सूचनाएं हैं वो जल्द से जल्द जारी हो, अभ्यर्थियों को 2.5 गुना काउंसलिंग में बुलाया जाए, और जल्द से जल्द ये बहाली को संपन्न करा के दूसरी बहालियाँ निकाला जाए। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।